नमस्कार दोस्तों, एग्जाम शाक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में। इससे पहले वीडियो चार लेक्चर्स की वीडियोस में पोस्ट कर चुका हूँ, जिसमें आप देख चुके हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे निकालते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इजीली निकालनी आ जाए। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आपने आज तक फेस किए और उनमें जो भी गलती की है, इस वीडियो को देखने के बाद आप वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। तो इससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताते जाऊँ, उसको नोट करते जाना, नोटबुक पेन लेके बैठना, ताकि आपको ईजिली, और उसके बाद क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, जो जो क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे आपको देता जाऊंगा। तो हम देखते हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। इसके केस में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हर एक जॉइंट की पता होनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होती क्या है। जैसे हमने स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की एक डेफिनेशन तैयार की थी, वैसे ही हमारी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की भी एक डेफिनेशन है, जिसके अंदर आप सब देखेंगे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होती क्या है। तो अगर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट तौर पे आपको बता दिया जाए कि ये कुछ नहीं है, ये काइनेमेटिक डिटरमिनेसी इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट एट ऑल द जॉइंट्स इन अ स्ट्रक्चर। तो जैसे मोटे मोटे तौर पे बोले जाए तो जो हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालते वक्त, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात हो रही है, जब हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात करते हैं तो वहां पे हम अननोन रिएक्शंस देखते थे, यहाँ पे हम सीधा सीधा आमतौर पर इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करते हैं। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में हम क्या देखते थे, नंबर ऑफ अननोन्स, इसमें आप देखोगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, जो आपको दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट्स की, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा किस पे निकालनी है आपने, डिस्प्लेसमेंट्स आर ऑलवेज काउंटेड ओनली एट द जॉइंट्स। हमें डिस्प्लेसमेंट्स हमें कहाँ पे निकालने हैं, हमेशा जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स हमें प्रेजेंट है, जॉइंट्स पे ही हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट और कहीं पे भी, मेंबर के और किसी भी हिस्से पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बात कर ले जैसे कोई भी बीम है, अगर उसके सेंटर की बात करें तो वहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन तो हमें मिल जाती है, लेकिन अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम में, या फिर अगर हमारा फिक्स बीम हो, वहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिफ्लेक्शन है, वो जीरो होती है। तो इसलिए हम हमेशा किसकी बात करेंगे, जॉइंट्स की। तो यहाँ से आपके लिए बात क्लियर हो जाती है कि जॉइंट्स हम कैसे कंसिडर करें, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स या किन किन को जॉइंट्स कंसिडर करना है। जैसे हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पढ़ते वक्त हमने सपोर्ट्स की बात की थी, और सपोर्ट्स पे कितनी रिएक्शन है उसकी बात की थी, ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कि जॉइंट्स हैं कितने, हम कैसे जॉइंट्स को चेक करेंगे। तो जॉइंट्स होते क्या, मान लो आपको एक कैंटिलीवर दिया हुआ, ये आपके लिए कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर की बात की जाए तो सीधा सीधा आमतौर पर अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कितने जॉइंट्स है, तो कैंटिलीवर के केस में आपके आपको ये सब तो ये तो पता ही है आपको कि ये एक जॉइंट है, तो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, आपका एक जॉइंट है। लेकिन यहाँ पे कैंटिलीवर के केस में जो फ्री एंड है, फ्री एंड को भी हम जॉइंट कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे कुल मिला के कितने जॉइंट्स हो गए आपके, दो जॉइंट्स। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें हमें कैसे निकालना है। दूसरे एग्जाम्पल देखने के लिए, जैसे मान लो आपको एक कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, तो इसमें हमें अगर पता लगाना है कि कितने जॉइंट है, तो सीधे सीधे आमतौर पर अगर हमें जॉइंट देखनी है, तो आपको ये तो जॉइंट पता चल ही गया कि यहाँ पे सपोर्ट के साथ इसका एक जॉइंट है, तो एक जॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा जॉइंट ये हो गया। इसके अलावा जहां से भी आपके कर्व शुरू हो, मान लो आपका कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है
और जहां पे आपका कर्व खत्म हो रहा है, या ये कह सकते हो आपका कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है, कैसे भी बात कर लो, तो वो भी हम क्या करेंगे, हमेशा जॉइंट कंसीडर किए जाएंगे। तो कैंटिलीवर के केस में आपने जाना कि फ्री हैंड को भी एक जॉइंट कंसीडर किया जाता है, और ऐसे स्ट्रक्चर में, ऐसे फ्रेम में जो कर्व्ड हो, जो कर्व दिया हुआ हो, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है कर्व दिया हुआ है, तो वहां पे जहां से कर्व शुरू होता है और जहां पे कर्व खत्म होता है, उस चीज को भी हम एक जॉइंट मानते हैं। तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ जॉइंट्स अगर बोल दिए जाए, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने मिले, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स सीधे सीधे तौर पे हमने काउंट कर लिए कितने मिले, नंबर ऑफ जॉइंट्स 4। आपका नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपको फ्रेम कुछ इस प्रकार दिया हुआ हो, तो आप कैसे कहेंगे कि ये है, मान लो एक आपको फिक्स्ड है, ये एल्युमिनियम, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ था, तो इसके कितने जॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि फिक्स पे तो हमेशा जॉइंट होता ही होता है, तो ये दो जॉइंट तो आपके कहीं नहीं गए, एक और दो जॉइंट। इसके अलावा जहाँ पे भी डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी, डिफरेंट रिजिडिटी के, जैसे एक स्टेल मेंबर है और दूसरा क्या एल्युमिनियम, इन दोनों की रिजिडिटी अलग अलग, और ये कहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपके कुल मिला के यहाँ नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने कंसिडर करने हैं, नंबर ऑफ जॉइंट्स यहाँ पे है 3। तो अगर आपको बता दिया जाए नंबर ऑफ जॉइंट कैसे कैसे कंसिडर करना है, तो आपको कैंटिलीवर बीम के लिए फ्री हैंड को भी जॉइंट कंसिडर करना है, कर्व पार्ट के लिए जहाँ से कर्व शुरू हो उनको भी जॉइंट कंसिडर करना है, और अगर दो अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले मेटल जैसे स्टील और एल्युमिनियम यहाँ पे आपने इस्तेमाल किया, जहाँ पे ये जॉइंट होते हैं उसको भी एक जॉइंट कंसीडर करोगे। और फोर्थ एग्जांपल हो गया कि आपको फोर्थ टाइप किस प्रकार, मान लो आपको एक बीम दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का, ये बीम आपको दिया हुआ है अलग अलग डायमेंशन है इसकी, यहाँ पे एरिया की बात कर ली जाए तो यहाँ पे एरिया A1 है और यहाँ पे एरिया आपका A2 है, जैसे जैसे आमतौर पर आपको दिख ही रहा है, तो इस प्रकार का बीम भी आपको दिया जाए तो सीधे आप कह सकते हो कि एक जॉइंट तो ये होगा, ये फिक्स जॉइंट तो हमेशा हो ही गए, तो आपके दो जॉइंट तो यहाँ गए। जब भी एरिया भी चेंज होता है किसी भी, अगर रिजिडिटी चाहे सेम हो, ये पूरा का पूरा जो बीम है ये स्टील का बना हो, लेकिन फिर भी आपका अगर कहीं पे एरिया चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट को भी हम जॉइंट कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ जॉइंट्स हो गए आपके 3। तो मुझे लगता है आपको जॉइंट्स कैसे कंसीडर करने हैं, कैसे जॉइंट्स गिनने हैं, तो यहाँ पे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए जॉइंट का बहुत बड़ा रोल है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए जॉइंट्स को कैसे गिनना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछ लेता है एक फिक्स्ड बीम है, और फिक्स बीम की आपको सीधे आमतौर पे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी पूछी है, जिसको हम डिनोट कर देते हैं डी के से, तो डी के पूछी हुई है आपकी। अगर मैं डी के की बात करूँ तो हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट्स, हमें किसकी बात करनी है, डिस्प्लेसमेंट्स की। तो डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सी हो सकती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन हो सकती है, और आपकी दूसरी डिस्प्लेसमेंट रोटेशन हो सकती है। तो आपकी किसी भी जॉइंट पे ये दो डिस्प्लेसमेंट होती है, एक तो डिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट, एक रोटेशन। अगर इस बात को समझने लगे तो मान लो आपका एक जॉइंट ये है और दूसरा जॉइंट ये है, इस लोड को यहाँ अप्लाई कर देने से, मान लो एक लोड यहाँ पे अप्लाई हो गया, तो ये किस प्रकार से आपकी डिस्प्लेस हो सकती है, तो देखने आमतौर पे ये हो गई आपकी, ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी क्या है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है आपकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, या ये आप कह सकते हो कि ये वाई डायरेक्शन में, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इज, ये आपकी क्या हो गई, एक डिफ्लेक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट है। अगर बात कर ली जाए आपके पे एक फोर्स लगाया जा रहा है, आपका यही बीम है, इसी बीम के ऊपर आपको टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया जाए, अगर टेंसाइल अप्लाई किया जाए तो आप जानते हैं टेंसाइल फोर्स लगाने से अगर एक्सटेंसिबल मीन्स अगर एक्सटेंड होने वाला, जिसकी परिधि बढ़ जाती है, जिसकी टाइप लेंथ बढ़ जाए, अगर ये हो जाए तो पॉइंट आपका, अगर ये बी पॉइंट है तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे बी डैश, तो ये किस डायरेक्शन में, ये आपकी एक्स डायरेक्शन में, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो डेल्टा एक्स यहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, या कहो वी एक्स,
एक्स, तो अगर आपको इसके कंफ्यूजन से बचना है, ये वर्टिकल थी ये हॉरिजॉन्टल थी, तो इन कंफ्यूजन से बचना, इनको खत्म करके आप क्या इस्तेमाल कर लो, डेल्टा, ये डेल्टा वाई हो गया आपका, और यहाँ पे क्या हो गई डेल्टा एक्स। ये वी एक्स हम पिछले वीडियोस में अपने सपोर्ट रिएक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए आप वी डी ना करके आप सीधा क्या कर सकते हो, डेल्टा एक्स डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा वाई, ये ऊपर आपका वाई है, इसको साफ साफ तौर पे लिख देते हैं, ये आपका डेल्टा वाई है और यहाँ पे आपका डेल्टा एक्स है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको दो मिल चुकी है, साथ के साथ आपको यहाँ दिख रहा है, दिखने में आप ये बता सकते हो कि जो ये चीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक थीटा एंगल आपको पता चल रहा है, तो थीटा, इस थीटा को कहते हैं हम रोटेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे, तो रोटेशन। तो आपको कुल मिला के कितनी मिली, एक दो और तीन, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि डिफ्लेक्शन और रोटेशन इन्हीं चीजों को क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर आप फिक्स्ड की बात कर ली जाओ, फिक्स सपोर्ट की बात की जाए, तो यहाँ से क्या ये डिस्प्लेस हो सकता है, अगर मान लो आपने यहाँ से कोई लोड अप्लाई किया, तो क्या ये नीचे जा सकता है, ये नीचे नहीं जा सकता, तो आप कह सकते हो कि इसमें डेल्टा वाई क्या है आपका, जीरो है। सिमिलरली अगर इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करो, आप इसमें टेंसाइल फोर्स ऐसे अप्लाई करा दो, तो क्या ये इससे आगे निकल सकता है, ये इससे आगे भी नहीं निकल सकता, तो आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हो टी डेल्टा एक्स भी क्या है, इस केस में जीरो है। सिमिलरली क्या यहाँ पे ये रोटेट कर सकता है, क्या यहाँ पे रोटेशन आ सकती है, तो थीटा, अगर मान लो ये पॉइंट ए है अब तक, तो ये वाई ए हो जाएगा, ये एक्स ए हो जाएगा, और थीटा ए भी यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, जीरो। तो तीनों की तीनों जो हमने डिस्प्लेसमेंट की बात अभी की है, वो तीनों की तीनों इस केस में क्या है, जीरो। सिमिलरली अगर मैं इस वाले जॉइंट की बात करूँ, तो अगर ये मेरा बी पॉइंट हमने मान लिया, तो डेल्टा वाई बी भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा एक्स बी भी आपकी जीरो, और थीटा बी भी आपका जीरो। तो सीधा सीधा आप कह सकते हो कि यहाँ पे कोई भी हमारी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो अगर आप कह दो तो ये काइनेमेटिकली डिटर्मिनेंट है, काइनेमेटिकली डिटर्मिनेंट है, क्योंकि इसकी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी जीरो है। लेकिन अगर यही बात हमने अभी अभी पिछले अपने लेक्चर्स में की है, उसमें हम ये बात करते थे कि इसकी डीएस निकालो, तो इसकी डीएस निकालना, और बीम की डीएस और डीएसई एक ही चीज होती है दोनों, या डीएस पूछ ले आपसे स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, या एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आपसे पूछे, तो हम उसके लिए क्या करते थे कि कितनी टोटल रिएक्शंस है, तीन रिएक्शंस आपको एक बीम से मिलती है, एक बीम से तीन रिएक्शन कौन सी, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मोमेंट। सिमिलरली इस वाले जॉइंट से भी आपको तीन मिलेगी, तो कुल मिला के छह इक्वेशन, और आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन तीन ही होते हैं। तो ये 3 डिग्री स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट है, लेकिन काइनेमेटिकली क्या है, ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये समझ में आ गया, तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं सिंपली सपोर्टिव बीम का। तो ये आपकी स्क्रीन पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसपे सिंपली सपोर्टेड किया गया। अब अगर हमने इसकी डी के चेक करनी है, तो इसकी डी के चेक करने के लिए आप सीधा कह सकते हो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंट है या नहीं है। तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी निकालने के लिए हम क्या चेक करेंगे, अगर मैं इस पे यहाँ पे लोड लगाऊं, तो क्या यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ सकती है वाई डायरेक्शन में, तो आप सीधे सीधे आमतौर पर कह सकते हो कि वाई वो फिर से वैसे ही, जैसे ये पॉइंट ए ले लिया, ये बी लिया, तो डेल्टा वाई ए यहाँ पे क्या है, जीरो है। रोटेशन की बात की जाए, तो यहाँ पे रोटेशन आपको बिल्कुल मिल सकती है, अगर इसके आप डिफ्लेक्शन डायग्राम देखो, तो कुछ इस प्रकार डिफ्लेक्शन मिलेगा, और यहाँ पे नाइन कर्व खींचने पे आपको डेल्टा ए, थीटा ए भी यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन थीटा ए भी यहाँ पे जीरो नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे थीटा बी ए भी जीरो नहीं होगा। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे डेल्टा वाई बी की, तो डेल्टा वाई बी क्या है, यहाँ पे जीरो है, लेकिन साथ के साथ डेल्टा वाई भी जीरो है, और साथ के साथ बात कर ली जाए, तो लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक्सटेंसिबल ले लूं, तो डेल्टा एक्स डायरेक्शन में जीरो नहीं होगा। सिमिलरली डेल्टा वाई यहाँ पे भी एक्स डायरेक्शन में जीरो नहीं होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये एक्सटेंसिबल है, यहाँ पे आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं मिली, यहाँ पे भी आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं मिली, यहाँ पे आपको रोटेशन मिली, यहाँ पे भी रोटेशन प्राप्त हुई, और एक्स डायरेक्शन में आपको काइनेमेटिकली आपको एक्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिली। तो कुल मिला के इसकी डिटर्मिनेसी हो गई सीधे सीधे आमतौर पे 3। और वो 3 इक्वेशंस आपकी कौन कौन सी हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई आपकी, एक इक्वेशन ये हो गई, और एक इक्वेशन ये हो गई। तो आपकी डिटर्मिनेसी हो गई, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी इस केस में हो गई आपकी 3।
ये काइनेमेटिकली 3 डिग्री इंडिटरमिनेट है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं स्टैटिक की बात, जो कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, और इसकी बात की जाए तो आपको पिन जॉइंट से 2 इक्वेशन मिलती है, 1 इक्वेशन मिलती है आपको रोलर से, तो कुल आपके पास अननोन है 3, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो दोनों केसेस को आप रिलेट कर सकते हो कि सिंपली सपोर्टेड बीम स्टैटिकली डिटरमिनेंट होता है, लेकिन काइनेमेटिकली क्या है वो इनडिटरमिनेट है। लेकिन फिक्स की बात की जाए तो फिक्स्ड बीम जो है आपके दोनों तरफ फिक्स बीम कर दे तो वो काइनेमेटिकली तो 0 है और स्टैटिकली वो 3 डिग्री इनडिटरमिनेट है। तो यहाँ से आपको दोनों डिफरेंस क्लियर हो गया होगा दोनों स्ट्रक्चर में। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया क्लियर हो गया होगा कि काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी के लिए डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको नोट कर लेना कहीं पे भी। जो 4-5 बातें मैं आपको यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ उसको नोट कर ले, उससे आपको जो मैं आने वाली क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे उनमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि पेपर में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो 3-4 बातें हैं, 4-5 बातें कुल मिला के, तो देखते हैं क्या क्या है। जैसे आपके जितने भी ज्वाइंट है, ईच ज्वाइंट ऑफ अ पिन पिन जॉइंटेड, ए जॉइंट ऑफ अ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, किसकी बात कर रहा हूं मैं इसमें, प्लेन फ्रेम की बात हो रही है अभी, या मींस आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 2D फ्रेम की बात हो रही है। ए जॉइंट ऑफ अ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, तो इसका एग्जांपल क्या है पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम का, वो है आपका ट्रस। तो जब भी आपसे पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम की बात की जाए तो आप कह सकते हो 2D ट्रस एग्जाम्पल है। तो इसकी बात मैं कर रहा हूं इसमें, तो ईच जॉइंट ऑफ अ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम जो कि 2D हैज 2 डिग्री ऑफ, हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बात की गई थी कि काइनेमेटिक इंटरमेसी निकालते वक्त सबसे मेन रोल किसका आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। अगर आपसे बात कर ली जाए स्टैटिक इंटरमेसी निकालते हुए, मैं साथ के साथ इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से पक जाए, और गेट में या कोई भी IAS का एग्जाम जैसे जनवरी में आने वाला है तो वहां पे आप इसको देखते ही इजिली सोल्व कर पाए और अपना मार्क्स सिक्योर कर ले। तो ये आपकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात यहाँ पे हो रही है। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हमारी पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, मीन्स 2D ट्रस की बात हो रही है। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं, आप प्लेन फ्रेम की बात हो गई, अब मैं 3D की बात करूं, ट्रस आपका 3D में भी हो सकता है। तो ईच जॉइंट ऑफ अ, अभी भी पिन जॉइंटेड मीन्स ट्रस की बात हो रही है, ट्रस एक पिन जॉइंटेड है, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं स्पेस फ्रेम की। स्पेस फ्रेम यानी कि आपका 3D स्ट्रक्चर हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, DOF से, डी कैपिटल कर लो, DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपका पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ई जॉइंट ऑफ पिन जॉइंटेड 2D फ्रेम में मीन्स प्लेन फ्रेम में आपकी 2 डिग्री है। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ फ्रेम की, अब मैं ट्रस की बात नहीं कर रहा, मैं फ्रेम की बात कर रहा हूँ जो कि रिजिड है। तो ईच जॉइंट ऑफ अ रिजिड मीन्स, अब आपका पिन जॉइंटेड नहीं है, रिजिड। पहले बात करते हैं 2D में प्लेन फ्रेम जो कि 2D की बात हो रही है, तो उसके पास भी हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपकी बात की जाए रिजिड प्लेन प्लेन फ्रेम 2D की बात कर रहे हैं हम, रिजिड होना चाहिए, तो उस केस में भी आपके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर आपसे पूछ ली जाए ये कौन कौन सी फ्रीडम की डिग्री है, तो मैं इनको ब्रैकेट में अब लिख देता हूँ। जब मैं पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम 2D ट्रस की बात करता हूँ तो आपके पास मिलती है डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई ओनली, यहाँ पे रोटेशन की कोई बात नहीं आती, इसलिए कितनी डिग्री होगी आपके पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। जब आपसे बात की जाती है पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, तो पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम में कौन कौन सी 3D की बात हो रही है, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा आपका, डेल्टा वाई आ जाएगा, और तीसरा आपको क्या मिलेगा, डेल्टा जेड। यहाँ पे भी रोटेशन का कोई जिक्र नहीं आता, तो इसलिए ये पी जॉइंट इन अ पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ रिजिड प्लेन फ्रेम की, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 है, लेकिन
लेकिन आपकी तीसरी जो होती है हमेशा वो क्या हो जाती है, एक डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, और तीसरी आपकी क्या आ जाएगी, जेड डायरेक्शन में रोटेशन। जिस तरह वहां पे आपकी इक्वेशन होती थी एफ एक्स एफ वाई और मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन, वैसे ही यहाँ पे रिजिड फ्रेम में आपको कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है जब हम बात करते हैं 2D की। अब आप नेक्स्ट देख लेते हैं 3D के लिए। नाउ इन केस ऑफ 3D ईच जॉइंट ऑफ, ईच जॉइंट ऑफ किसकी बात हो रही है, रिजिड जॉइंटेड। प्लेन फ्रेम की हमने बात पिछली अभी थोड़ी देर पहले की है, अब हम बात कर रहे हैं स्पेस फ्रेम की। किसकी बात हो रही है आपकी, स्पेस फ्रेम मींस 3D स्ट्रक्चर की बात हो रही है, रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस केस में आपकी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है, और वो कौन सी 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, अगर हम बात कर ले सीधे सीधे आमतौर पे, तो आपको डेल्टा एक्स यहाँ मिलने वाला है, डेल्टा वाई भी और डेल्टा जेड भी, तीनों डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन मिलने वाली है, डिस्प्लेसमेंट्स मिलने वाली है, और साथ के साथ आपको तीनों डायरेक्शन में रोटेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये कुल मिला के कितनी हो गई आपकी, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, ये मैंने फोर्थ पॉइंट लिखवाया है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो मैं एक बार रफ यहाँ पे रफली बता देता हूँ कि 2D ट्रस में आपने कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रखनी है, 2। मैं 2D ट्रस की बात कर रहा हूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी है, 2। अगर मैं 3D ट्रस की बात करूं तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। और 2D प्लेन फ्रेम मीन्स फ्रेम की बात हो रही है, 2D फ्रेम की बात हो रही है, तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। और अगर मैं बात करूं 3D फ्रेम की, तो 3D फ्रेम में आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6। तो ये आपका टेबल है जो आपको एक तरीके से पता होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और ये आने वाले टाइम पे जितने भी क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं और जो आप पेपर में सॉल्व करोगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब यहां तक हम समझ चुके हैं कि जॉइंट कैसे गिनने आपने, और हर एक जॉइंट पे आप 2D की बात करो, 3D की बात करो, ट्रस की बात करो या फ्रेम की बात करो, तो आपकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अब आपको सोल्व करने के लिए एक मैं मास्टर स्ट्रोक जिसे कह सकते हो, या मास्टर फॉर्मूला देने वाला हूँ, जो आपको सभी जितने भी आपके प्रॉब्लम है काइनेमेटिक से रिलेटेड, चाहे वो ट्रस का केस हो, चाहे वो आपका फ्रेम का केस हो, या बीम का केस हो, सब पे लागू होने वाला। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी कैसे निकालोगे आप, तो आप सबसे पहले तो हर एक जॉइंट को गिन के आपको टोटल नंबर ऑफ हर एक जॉइंट को गिन के आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। क्योंकि हम सीधे सीधे आमतौर पे हमने अभी देखा, पहले दो एग्जाम्पल देखे हुए, जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जैसे जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम का हमने वो कंसिडर किया था, वहां पे हम आपकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक आपकी हिंज से मिलती है, हिंज जॉइंट सपोर्ट से मिलती है, और दूसरा आपका रोलर सपोर्ट से, दो रोलर सपोर्ट से मिलती है। तो कुल मिला के आपकी वहां पे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उतनी आपकी क्या होती है, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। लेकिन साथ के साथ मान लो दोस्तों, आपको साथ के साथ जितनी भी एक्सटर्नल रिएक्शंस है आप उनको इंक्लूड कर लेते हो जॉइंट के अंदर। आप क्या कर लेते हो, उनको जॉइंट के अंदर इंक्लूड कर लेते हो। तो जब आप जॉइंट के अंदर उनको डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंक्लूड कर लेते हो, तो आपको वो सब माइनस करने पड़ेंगे कि टोटल रिएक्शंस कितनी है, टोटल एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी है। क्योंकि एक्सटर्नल रिएक्शंस हम किस में कंसिडर करते हैं, स्टैटिक डिटरमिनेसी निकालने के लिए। वो सब आपको आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो आपने निकाली है उनमें से आपको टोटल एक्सटर्नल रिएक्शंस माइनस करनी पड़ेगी। साथ के साथ मान लो आपका जो मेंबर है, ज्यादातर आपको नहीं दिया जाता, नहीं लिखा होता शब्दों में, जब आपको नहीं लिखा हो तो नोट डाल के भी लिखवा देंगे मैं ये भी, कि जब आपका नहीं लिखा हो तो आपने उस फ्रेम को, उस स्ट्रक्चर को हमेशा एक्सटेंसिबल मीन जो बढ़ जाए टेम्परेचर में, या कोई भी स्ट्रेस हम अप्लाई करें जिसके कारण उसकी लेंथ में कोई भी चेंजेस आते हैं, या उसके कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंजेस आते हैं, उसे कहते हैं हम एक्सटेंसिबल फ्रेम या एक्सटेंसिबल स्ट्रक्चर। तो जितने भी आपके इन एक्सटेंसिबल, जब वो इन एक्सटेंसिबल लिख देगा तो आपको इन एक्सटेंसिबल मेंबर्स इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो ये आपकी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी आपके सीधे आम तौर पर दे देगा। लेकिन कई केसेस में क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले स्टैटिक निकालते वक्त हम क्या करते थे, स्टैटिक निकालते वक्त हमारे जितनी अननोन रिएक्शंस होती थी स्टैटिक में, साथ के साथ अगर मैं लिख दूं, डी एस स्टैटिक का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जितनी आपकी अननोन रिएक्शंस होती थी
अननोन रिएक्शंस, तो उनको सॉल्व करने के लिए आप अननोन रिएक्शंस में से क्या माइनस करते थे, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो जितनी आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो माइनस करते थे अननोन रिएक्शन से, वो आपको क्या देता था, डीएस। तो डीएस निकालने के लिए आपका ये प्रोसीजर था। लेकिन जैसे ही आपका किसी भी स्ट्रक्चर में हिंज आ जाता था, स्ट्रक्चर के अंदर हिंज ज्वाइंट भी प्रोवाइड करा देते हैं, जिसको हम हाइब्रिड ज्वाइंट्स भी कह देते हैं, उसके आने से वो भी आपकी एक इक्वेशन, या फिर डिपेंड करता था कितने मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं। तो दो मेंबर के लिए बता रहा हूं मैं, एक इक्वेशन, एक हिंज ज्वाइंट दे देता था, तो उनको हम कहते थे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस बाय ईच हिंज। जितनी भी हिंज है वो भी हम माइनस कर देते थे, वो किस में से सब्ट्रैक्ट होते थे, आपके अननोन रिएक्शन से। तो वहां से आपको क्या मिल जाता था, डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटरमिनेसी। तो हम काइनेमेटिक की बात करें, उसी तरह वहां अननोन रिएक्शंस होती थी, यहाँ पे हमने क्या बात करी, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। वहां पे आप माइनस करते थे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को, यहाँ पे हम बात कर सब्ट्रैक्ट करते हैं टोटल एक्सटर्नल इक्वेशंस को, टोटल एक्सटर्नल जितनी भी इक्वेशन है वो यहाँ माइनस कर देते हैं। वहां पे आपकी कंपेटिबिलिटी इक्वेशन ऑफ हिंज माइनस की जाती थी, यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स माइनस किए जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो हिंज है, हिंज के कारण जितनी भी एडिशनल डिफॉर्मेशंस हैं वो सब आपकी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, एडिशनल डिफॉर्मेशन ड्यू टू हिंज, एडिशनल डिफॉर्मेशन ड्यू टू हिंज। तो आप सीधे आमतौर पर कह सकते हो, जिन्होंने मेरी पूरी पुरानी वीडियोस देखी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो समझ गए होंगे कि डीएस कितनी आसानी से हमने कैलकुलेट करना सीखा है, और इस वीडियो में आप डीके निकालना, मीन्स काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी भी आसानी से सीख जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप देखते हैं कैसे निकालना है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ क्वेश्चंस आपके लिए, आप एग्जांपल्स हैं, अब हम देखते हैं कि निकालना कैसे है। मैंने कहा था बात की थी, चाहे फ्रेम हो, ट्रस हो, आपका एक ही फॉर्मूले से हो जाएगा, फ्रेम हो, ट्रस हो, बीम हो, या कुछ भी हो, लेकिन चेक करते हैं क्या ये एकदम सही बात हो पाती है या नहीं हो पाती। तो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पे ये हिंज ज्वाइंट है, सॉरी फिक्स ज्वाइंट है, तो आप बता सकते हैं फिक्स ज्वाइंट होने से यहाँ पे आपकी एक ज्वाइंट ये हो गया, तो यहाँ पे ज्वाइंट कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे आपको पिन ज्वाइंट दिया हुआ है तो दूसरा ज्वाइंट ये हो गया, फिर से आपको रोलर सपोर्ट के साथ ज्वाइंट दिया हुआ है तो तीसरा ये हो गया, और ये लास्ट में फिर से रोलर पे दिया है, तो ये चार। तो कुल मिला के आपको कितने ज्वाइंट मिले हैं, चार। तो एक ज्वाइंट से अगर मैं सीधे सीधे बात करूं आपकी, तो डीके की बात यहाँ पे हो रही है, एक ज्वाइंट से हमें तीन कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस, तीन डिफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट मिलती हैं, जो कि हमने अभी देखी भी थी। एक जॉइंट पे हमें कितनी इक्वेशंस मिलती है, तीन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस। तो कुल मिला के चार जॉइंट से हमें कितनी मिलने वाली है, 12 इक्वेशंस। उसके बाद मैंने फॉर्मूले में किसकी बात की थी, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, डी के इजकल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है कि एक जॉइंट पे आपको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, चार जॉइंट पे टोटल कुल मिला के कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद हम माइनस करते थे आपकी जितनी भी रिएक्शंस होती थी, एक्सटर्नल रिएक्शंस, जितनी भी आपकी इस एक्सटर्नल रिएक्शंस है वो भी माइनस कर देते थे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी है चेक कर लेते हैं, तीन आपको इस केस में मिलने वाली है, एक इस केस में, एक रोलर के केस में, एक रोलर के केस में, तो कुल मिला के आपको मिल गई 6 एक्सटर्नल रिएक्शंस। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये एक्सटेंसिबल है या इनएक्सटेंसिबल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपको नहीं दिया गया है, तो नोट डाल के लिखे, नोट डाल के आप नोट कर सकते हैं, नोट डाल के लिखे, इफ नथिंग इज मेंशन देन कंसिडर द मेंबर्स एज एक्सटेंसिबल। आपने हमेशा मेंबर को क्या कंसिडर करना है, एक्सटेंसिबल कंसिडर करना है। अब वापस से फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये एक्सटेंसिबल मेंबर है, इसमें कोई मेंशन नहीं किया था, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, एक्सटेंसिबल मेंबर। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका जो हमने माइनस करना था इन एक्सटेंसिबल मेंबर, तो ये एक्सटेंसिबल मेंबर के केस में क्या आ जाएगा आपका, जीरो। कि यहाँ पे एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जो इनएक्सटेंसिबल हो, तो आप इसके लिए क्या लिख दोगे, जीरो। उसके बाद आप एडिशनल इक्वेशंस लिख रहे थे, एडिशनल डिफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर ईच हिंज,
ईच हिंज, हिंज यहाँ पे कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो ये भी क्या हो गया आपका जीरो। तो माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया कि ये 6 डिग्री काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेंट है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि ये 6 डिग्री काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेंट है। मान लो आपको यही चीज आपको दिया होता कि सभी मेंबर्स आपके एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल है, ये किस केस में है हमारा एक्सटेंसिबल मेंबर्स के केस में। अब हम बात करेंगे इन एक्सटेंसिबल में कैसे निकालना है, इन एक्सटेंसिबल मेंबर्स के केस में आप डी के कैसे निकालोगे। तो इन एक्सटेंसिबल के केस में आपकी सिर्फ तीन इक्वेशंस रहेंगी, वो तीन इक्वेशंस कौन कौन सी रहेगी हम अभी देख लेते हैं, वो तीन इक्वेशंस कौन कौन सी रहने वाली है। तो तीन इक्वेशंस की अगर हम बात कर ले तो तीन इक्वेशंस आपकी रहने वाली है वही फॉर्मूला 3 × 4, आपके टोटल 4 जॉइंट, एक जॉइंट पे 3 मिलने वाली है, माइनस आपका हो गया जितनी इक्वेशंस है 6 इक्वेशंस है, माइनस आप इन एक्सटेंसिबल मेंबर्स की बात कर रहे हो तो तीन, 1 2 3, तीन मेंबर्स आपके इन एक्सटेंसिबल, लेकिन कोई भी हिंज नहीं है जीरो। तो सॉल्व करके आपका सीधा सीधा कितना आ गया 3 डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी व्हेन मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। मैं काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी की बात कर रहा हूँ। अभी भी दोस्तों आप सोचते हो कि अगर इसको हम देखना चाहे कि जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस देखी थी ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वाले क्वेश्चंस में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट हम फॉर्मूला बेस करेंगे ताकि आप इजिली फॉर्मूले पे पकड़ बना सको और पेपर में भी अच्छे से कर पाओ। तो मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हम देखेंगे कि कैसे हमारा मेंबर, हम कौन कौन सी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस हर एक उस पे लग रही है, तो सिर्फ हम उसकी बात करेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि करना कैसे। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट बात करूं तो 6 इक्वेशंस आपको कौन कौन सी मिलने वाली है, तो आपके फिक्स सपोर्ट पे तो जीरो होता है, तो डी के फिक्स सपोर्ट्स की क्या है आपकी जीरो है। जब मैं रोलर की बात करूं तो रोलर में ये नीचे नहीं आने दे रहा, मीन्स डेल्टा वाई जीरो है आपका, बाकी डेल्टा एक्स, अगर मैं पॉइंट के नाम दे दूं ए बी सी और डी, तो डेल्टा वाई ए जीरो है लेकिन डेल्टा एक्स ए जीरो नहीं है, मतलब इसकी कोई ना कोई ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से मुझे मिल रही है। साथ के साथ अगर मैं बात करूँ रोटेशन की, तो रोटेशन भी, क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट नहीं है, फिक्स में जीरो होता है, रोलर सपोर्ट में मेरा थीटा बी की बात करूँ तो जीरो नहीं होगी, तो 1 डिग्री ही होगी, तो 2 यहाँ से होगी। सिमिलरली नेक्स्ट भी रोलर है तो मुझे डेल्टा एक्स सी, ये बी है ए नहीं, ये बी की बात हो रही है यहाँ पे, सिमिलरली डेल्टा एक्स सी भी जीरो नहीं है और साथ में थीटा सी भी जीरो नहीं है, 2 यहां से मिल गई, और डेल्टा एक्स डी भी मेरी जीरो नहीं है और आपका डेल्टा डी भी जीरो नहीं है। तो आपकी कुल मिला के कितनी इक्वेशंस बन गई, 6 इक्वेशंस। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ डिग्री जब एक्सटेंसिबल है, सिर्फ मैं एक्सटेंसिबल की बात कर रहा हूँ, तो एक्सटेंसिबल के केस में कितनी होगी 6 डिग्री। अब मैं बात करता हूँ इन एक्सटेंसिबल की, तो इन एक्सटेंसिबल के केस में डी के निकालना हो तो इन एक्सटेंसिबल का मतलब है कि ये ऐसे भी मूव नहीं करेगी, तो ये जो चीज मेरी जीरो नहीं थी ये भी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो आप सीधे सीधे आमतौर पे कह सकते हो कि ये आपकी कट गई इक्वेशन, ये आपकी खत्म हो गई, ये आपकी खत्म हो गई, तो सिर्फ इक्वेशन कौन कौन सी बच गई, थीटा बी ए थीटा सी जीरो और डी वाली, तो कुल मिला के आपकी कितनी हो गई 3। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिनको इस पे लॉजिकली कमांड है आप वो ऐसे कर सकते हैं, जिनको फॉर्मूले के हिसाब से चलना है फॉर्मूले के हिसाब से चलता है। मैं अपनी वीडियो में ज्यादा जोर दूंगा फॉर्मूले पे क्योंकि इससे इजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखते हैं आगे, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन की भी हमें वही डी के काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, उसके लिए हमने चेक कर लिए, तो जैसे मैंने फॉर्मूला बताया डी के में टोटल कितनी हमारे, जितने भी हम बात करते हैं जब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक जॉइंट की हम लेके चलते हैं 3, तो यहाँ पे कितने जॉइंट हो गए आपके, एक जॉइंट यहाँ पे हो गया, 2 3 4 और 5, गिनने में 5 जॉइंट हो गए, तो 5 को 3 से गुना कर दिया, माइनस जितनी भी रिएक्शंस है, तो कितनी रिएक्शंस होगी, 3 रिएक्शन आपको रिजिड से मिलने वाले हैं, 3 इससे मिलेंगे और 1 1 इनसे, तो कुल मिला के टोटल आपकी हो गई 3 6 और 3 9 रिएक्शंस, तो 15 - 9। यहाँ पे कहीं कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो इनएक्सटेंसिबल की बात की जाए, सारे के सारे एक्सटेंसिबल मेंबर की बात यहाँ पे हो रही है, तो आपका आंसर आ गया 6। तो ये काइनेमेटिकली 6 डिग्री इनडिटर्मिनेंट है जिसकी हमने बात करी इस स्ट्रक्चर में, काइनेमेटिकली ये क्या है, ये बीम हमारा काइनेमेटिकली 6 डिग्री
इनडिटर्मिनेट है। अगर मैं बात कर लूं इन एक्सटेंसिबल, आपको क्वेश्चन में लिख के दे दे कि इन एक्सटेंसिबल है, तो इन एक्सटेंसिबल के लिए यहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन एक्सटेंसिबल के लिए जैसे कि फॉर्मूला मैंने पिछले में नहीं बताया था, यहाँ बता देता हूँ कि टोटल जितनी आपकी डीके है व्हेन एक्सटेंसिबल की बात हो रही है, जब एक्सटेंसिबल की बात हम करते हैं तो व्हेन एक्सटेंसिबल डीके निकाल के माइनस जितने भी टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिजिड मेंबर की बात हो रही है यहां, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिजिड नंबर की बात हो रही है। तो इस केस में जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, वो पिछले क्वेश्चन से ये सिर्फ कैसे डिफर कर रहा है कि यहां से लेके यहां तक अगर मैं बात करूं आपकी, ये लेके स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा ऐड हो गया पिछले वाले क्वेश्चन में, तो उस एक्स्ट्रा ऐड होने के कारण ही मेरे क्या हो गया, अब यहाँ पे अगर मैं गिन के बताऊं तो आपके टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिजिड मेंबर्स अभी भी उतने के उतने ही है, 1 2 3। आप इसको अगर एक्सिली की बात करो तो यहाँ से कोई भी आगे ये एक्सटेंसिबल नहीं होने वाला। तो जब इन एक्सटेंसिबल की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शन कितने हो गए यहाँ पे, 3, क्योंकि फोर्थ मेंबर की जो डिफॉर्मेशन है वो हमारी नॉन है सारी की सारी। वो डिफॉर्मेशन क्या क्या है आपको पता है, अगर मैं एफ एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो डेल्टा एक्स हमारी होगी 0, डेल्टा वाई भी 0 है, और यहाँ पे थीटा जो भी इस पॉइंट का नाम है उस थीटा का मतलब रोटेशन भी हमारी क्या 0 है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि टोटल नंबर आपने कितनी कंसिडर करनी है, 3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स कंसिडर करने हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 - 3 आंसर आ गया आपका 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री इन एक्सटेंसिबल के केस में काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेंट है। आई होप आपको ये, आप सभी को ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको जो दिया हुआ है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। यहाँ पे आपको हिंज सपोर्ट दिया है, यहाँ पे आपको फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है, फिक्स सपोर्ट दिया है, तो आपको ये स्ट्रक्चर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आपको एक हिंज जॉइन के साथ 2 मेंबर इस प्रकार, ये आपके हिंज सपोर्ट के साथ कनेक्टेड हैं, ये मेंबर दोनों हिंज सपोर्ट के साथ आपको कनेक्ट किए गए हैं, हिंज सपोर्ट के साथ, तो आपको इसकी स्टैटिकली काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करना है। काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करना है ना कि स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। तो हम इसकी डीके निकालने के लिए काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी जब भी निकालेंगे तो ये एक तरीके से किसका केस हो गया, आपका ट्रस का केस है, पिन जॉइंटेड फ्रेम है ये, पिन जॉइंटेड फ्रेम। यानी कि जब भी हम 2D पिन जॉइंटेड फ्रेम की बात करते हैं, हमने किसकी बात की, 2D पिन जॉइंटेड फ्रेम, तो मैंने सबसे पहला इसी का पॉइंट लिखवाया था कि इस केस में आपको एक जॉइंट से कोई भी जॉइंट, आप ये जॉइंट ले सकते हो, ये जॉइंट ले सकते हो, ये जॉइंट ले सकते हैं, 3 की बजाय आपको कितनी इक्वेशंस मिलती हैं, सिर्फ 2 इक्वेशन। जब मैं बात करता हूँ पिन जॉइंटेड की, जब हमने पिछले जितने भी बीम देखे हैं उन सभी में हमने देखा था कि वो रिजिड जॉइंटेड थे, यहाँ पे ये सारे के सारे पिन जॉइंटेड है। तो पिन जॉइंटेड के केस में अगर मैं बात करूँ डीके निकालने की, तो डीके एक जॉइंट से आपको 2 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस मिलने वाली है एक जॉइंट से, और कुल जॉइंट यहाँ पे कितने आपके अगर कैलकुलेट कर ले तो 3 जॉइंट्स, तो 3 जॉइंट्स हो गए, तो ये आपको टोटल मिल गई 6 इक्वेशंस आपको मिली है, माइनस टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल इक्वेशन। टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल इक्वेशन यहाँ से आपको मिलने वाली है 2 इक्वेशन, और 2 इक्वेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है, तो कुल मिला के आपको कितनी इक्वेशंस मिली, 4, ये माइनस की, तो आपको हो गया 2 डिग्री स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। जब हम एक्सटेंसिबल की बात करें तो वो 2 डिग्री कहाँ कहाँ पे मिलने वाली है बात कर ली जाए, तो अगर ये पॉइंट आपको नाम दे दिया जाए, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, तो आपको कुछ इस प्रकार मिलने वाली है। तो वे हो जाएंगे आपकी डेल्टा एक्स बी इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू 0, और दूसरी हो जाएगी डेल्टा वाई बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये आपको 2 मिलने वाली है यहां से, जो इसके अंदर आपको काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी बात की गई है। नेक्स्ट फ्रेम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन की आपसे पूछी है कि आपको काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी निकालनी है, तो इस क्वेश्चन की काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी निकालने के लिए ये भी आपको पिन जॉइंटेड 2D फ्रेम दिया गया है, तो एक जॉइंट से आपको मिलने वाली है 2 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस। तो टोटल जॉइंट्स कितने हैं, 1,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो कुल नंबर हो गए इसके सिक्स। तो यहाँ पे टोटल आपको मिल गई 12 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस एक जॉइंट से, माइनस टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल इक्वेशंस। तो दो इक्वेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है, एक इक्वेशन आपको रोलर से मिलने वाली है, तो कुल हो गई आपकी तीन इक्वेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं इन एक्सटेंसिबल की बात। इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक आपको इन एक्सटेंसिबल की बात नहीं की गई थी। यहाँ पे आप डायरेक्टली जब तक नहीं दिया जाए तब तक आपने एक्सटेंसिबली सॉल्व करना है, उसके बाद इन एक्सटेंसिबल जीरो आपको ऐड करना है हिंज। यहाँ पे कहीं पे भी मेंबर में कोई हिंज प्रोवाइड नहीं किया गया है, कोई भी हिंज आपके मेंबर में प्रोवाइड नहीं किया गया, वो भी हो गए जीरो। तो 12 - 3 करके आपका ना आंसर हो गया 9 डिग्री। तो जब भी आपका पिन ज्वाइंटेड होगा, जैसे कि यहाँ पे शो किए गए आपको ये सारे के सारे आपके पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर्स थे, तो पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में हम हमेशा क्या लेके चलेंगे, 2 डिग्री। और जब हमारा रिजिड ज्वाइंटेड होगा तो हम 2 की जगह क्या लेके चलते हैं, 3। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आपको फ्रेम दिया हुआ है जो कि नीचे से फिक्स्ड फ्रेम है, तो इस फिक्स फ्रेम की बात कर रहा है। वो फिक्स फ्रेम में डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी निकालनी है हमें, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी की बात कर रहा है। तो हमने डायरेक्टली डायरेक्टली कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ चेक करने की कितने फ्रेम है, 1 2 3 4, 4 जॉइंट है। तो 4 जॉइंट है, अब ये रिजिड दिख रहा है, कहीं ना कहीं से भी हमको पिन जॉइंटेड नहीं दिख रहा। हम रिजिड 2D की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें एक जॉइंट से 3 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस मिलने वाली है, तो कुल इक्वेशंस हमें मिली यहाँ पे 12 इक्वेशंस। तो कुल कितनी इक्वेशंस मिली आपको, 12। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे कितनी इक्वेशन, तो 3 इक्वेशन इस जॉइंट के लिए और 3 हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस इसके लिए है, या कहो रिएक्शंस 3 इसके लिए। तो टोटल हो गई हमारी 6 रिएक्शन माइनस, तो 6 आपका आंसर हो गया, 6 डिग्री काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेट। 6 डिग्री काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेट की बात यहाँ पे हो रही है डीके के केस में। यहाँ पे ये इनएक्सटेंसिबल नहीं था और ना ही आपको यहाँ से कोई हिंज मिल रहा है। तो अगर इसकी बात कर ली जाए इनएक्सटेंसिबल में चेक करना है, तो इनएक्सटेंसिबल में इसको कैसे चेक किया जाएगा, इनएक्सटेंसिबल में अगर आपको डीके निकालने को दे दिया जाए तो 6 माइनस, जब आपका एक्सटेंसिबल है उसमें से कितने माइनस कर दोगे, जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स आपके यहाँ पर है रिजिड एक्सियली मेंबर्स कितने हैं, 1 2 और 3। तो आपने जैसे ही माइनस किया तो ये 3 डिग्री इनएक्सटेंसिबली इसकी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी हो। तो आप सीधे तौर पे ये कह सकते हो आसान बनाने के लिए कि जब भी आपसे इन इनएक्सटेंसिबल, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग प्रॉब्लम हो गई है, स्पेलिंग ठीक कर लेना इसकी, इनएक्सटेंसिबल जब भी आपसे इनएक्सटेंसिबली पूछा जाए तो इनएक्सटेंसिबल निकालने के लिए आपने सीधा कुछ नहीं करना और आपको ये आसानी से निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है कि ये एक रिजिड जॉइंटेड जो हमने अभी लास्ट देखा था फ्रेम, उसमें जो ये बीच का मेंबर है ये एक ब्रेसिंग मेंबर प्रोवाइड करा दिया आपको, ब्रेसिंग मेंबर प्रोवाइड कराया। तो ब्रेसिंग मेंबर का क्या काम होता है, तो आप ब्रेसिंग मेंबर के बारे में लिख सकते हो कि ब्रेसिंग मेंबर सिर्फ एक काम करेगा यहाँ पे, कि जो स्वे होना है, जो मूवमेंट होनी है एक्स बी डायरेक्शन में, मान लो ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो जो इसकी स्वे मूवमेंट होनी है इस डायरेक्शन में एक्स बी होनी है, उसको क्या कर देगा ये, प्रिवेंट कर देगा। तो जो डेल्टा एक्स बी डिफ्लेक्शन इन एक्स बी डायरेक्शन में होगा इज प्रिवेंटेड बाय ब्रेसिंग मेंबर, क्योंकि यहाँ पे ब्रेसिंग मेंबर अप्लाई किया गया, तो ब्रेसिंग मेंबर के द्वारा जो ये डिफ्लेक्शन एक्स डायरेक्शन में हो रही है ये क्या कर दी जाएगी, प्रिवेंटेड। लेकिन आपको तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी पूछा है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी निकालने के लिए वही एज यूजुअल फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। एज यूजुअल फॉर्मूला क्या है कि आपको जॉइंट्स गिनने हैं, 1 2 3 और 4, 4 जॉइंट्स है, एक जॉइंट से 3 इक्वेशन, माइनस कितनी आपकी हो गई, 3 यहां से इक्वेशन बन रही है, 3 आपकी यहां से बन रही है, तो कुल मिला के हो गई आपकी 6। कुल कितनी हो गई आपकी 6। साथ के साथ अगर बात की जाए क्या इनएक्सटेंसिबल पूछा है, नहीं, इस केस में अभी इनएक्सटेंसिबल नहीं पूछा है। जब हम इनएक्सटेंसिबल की बात करते हैं, क्योंकि हमें इनएक्सटेंसिबली ही निकालना है, तो इनएक्सटेंसिबल मेंबर कितने हो गए यहाँ पे, तो जितने इसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4, तो इनएक्सटेंसिबली आप 0 की जगह क्या लोगे यहाँ पे, 4, कोई हिंज नहीं है तो 0। मैं डायरेक्ट अब इनएक्सटेंसिबल निकाल रहा हूँ,
तो इनएक्सटेंसिबल डायरेक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार अप्लाई करना है। तो 12 -6 -4 तो सॉल्व करके हो गया आपका 2 डिग्री, ये काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेट हो गया जब भी इनएक्सटेंसिबल की बात आपसे की जाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कि आप अब आसानी से काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी निकाल सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो मास्टर क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, ये आपको मास्टर प्रॉब्लम दी हुई है। मास्टर प्रॉब्लम इसमें इसलिए कहा गया है, इसमें आपको हर प्रकार के सपोर्ट्स है वो इस्तेमाल किए, चारों प्रकार के आपके मेंबर के अंदर भी जॉइंट है, साथ के साथ आपके मेंबर के कॉर्नर पे भी जॉइंट है। तो इनको कैसे सोल्व करना है आपको, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है, फ्रेम की बात हो रही है, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं डीके निकालने के लिए। इन एक्सटेंसिबल का केस यहाँ पे हम बात करें, इन एक्सटेंसिबली कैसे निकाले, तो आपने सीधे सीधे तौर पे सबसे पहले जॉइंट गिनने हैं। तो मैंने बताया था आपके जॉइंट गिनने के लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो ये आपका पहला जॉइंट, दूसरा, ये तीसरा जॉइंट, ये चौथा जॉइंट, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा जॉइंट, 9 10 11 12। और जैसा कि सबसे पहले बताया गया था कि कैंटिलीवर का जो सबसे बाहर का है वो भी क्या होता है, एक जॉइंट गिन लिया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने जॉइंट हो गए आपके, 13 जॉइंट, और एक जॉइंट से कितने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस आपको मिलने वाली है, 3 इक्वेशन। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको 39 अननोन इक्वेशंस मिलने वाली हैं, 39 अननोन इक्वेशंस यहाँ पे मिलने वाली है। माइनस आपने जितनी भी सपोर्ट रिएक्शंस है, बात हो रही है यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस की, तो टोटल कितनी सपोर्ट रिएक्शन, तो 3 सपोर्ट रिएक्शंस हमारे फिक्स से मिलने वाली है, 2 सपोर्ट रिएक्शन आपको पिन देता है, 1 सपोर्ट रिएक्शन रोलर से मिलते हैं, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी जो स्टैटिकली वहां भी समझाया था अच्छे से, और 2 आपको मिलते हैं रोलर में। तो कुल मिला के कितनी सपोर्ट रिएक्शन हो गई, 3 2 5 1 6 और 2 8। तो आपको सपोर्ट रिएक्शंस कितनी माइनस करनी है, यहाँ पे 8 सपोर्ट रिएक्शंस आपकी माइनस करनी पड़ेगी, आपकी हो गई 8 सपोर्ट रिएक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आ जाती है कि आपको नंबर ऑफ मेंबर्स सब्ट्रैक्ट करने, तो कितने मेंबर्स यहाँ पर है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं हम, तो नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कुल मिला के आपके यहाँ पे मेंबर्स बन जाते हैं 15। तो ये रिजल्ट की बात हो रही है, तो 15 मेंबर्स ये बन गए, तो माइनस के 15। साथ के साथ अब आपको देखना है कि यहाँ पे हमारे जॉइंट भी दिए गए हैं, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, जॉइंट माइनस कर देंगे बाद में। 39 में से 8 गए आपके, बच गए 31, 31 में से 10 गए, 21 में से 15 गए 16। अभी ये 16 इक्वेशंस आपकी हैं, लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे हिंज दिया गया है। तो जब भी आपको मेंबर में हिंज दिया गया, मैंने इस वीडियो में पहले भी समझाया है, तो जब भी आपको मेंबर में हिंज मिलेगा तो आपको टोटल इक्वेशंस मिलने वाली हैं। तो जब मेंबर के अंदर हिंज होता है तो आपको मिलती है 4 एडिशनल इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस कह सकते हो, 4 एडिशनल मिलती है आपको मेंबर्स के केस में। जब आपका हिंज लगता है जॉइंट में, तो आप फॉर्मूला लगाते हो 2D में M-1। तो यहाँ पे आप देखने से आपको पता लग जाएगा, जब हम बात करते हैं तो इस जॉइंट पे कितने मिलने वाले हैं आपको, तो इस जॉइंट पे मिलने वाली है आपको 4 इक्वेशंस इस जॉइंट की है, और M-1 यहाँ लगा के, M-1 यहाँ लगाए, तो 3 मेंबर, 1 2 3, तो यहाँ पे हो गई आपकी 3 में से 1 गए 2 इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे 4 मेंबर है, 4 में से 1 गए 3, तो कुल मिला के कितनी एडिशनल आपको करनी पड़ेगी, 3 2 5 और 4 9, 9 इक्वेशंस आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो 9 इक्वेशन यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है, तो आपकी कितनी होगी, 25 डिग्री स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, ये आपका हो गया, सॉरी 25 डिग्री काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेट इन द केस ऑफ इनएक्सटेंसिबल। ये आपकी मास्टर प्रॉब्लम थी, जिसमें आप सारा जॉइंट जितने भी हैं वो सारे जॉइंट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जहां पे आपको हिंज दिया जा सकता है, हाइब्रिड जॉइंट प्रोवाइड कराए गए हैं, साथ के साथ आपको जॉइंट कैसे गिनने हैं वो सब इसमें कवर अप किया है। तो आप पूरा का पूरा वीडियो जो हमने कवर अप किया था, उसका वाइंड अप समरी यहाँ पे हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक लास्ट प्रॉब्लम जो एक स्टूडेंट ने मुझे भेजी थी, और उन्होंने कहा था कि सर इसको
आप अपनी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करें तो वो आपको समझा दी जाती है। ये एक इमेज एक स्टूडेंट ने शेयर की थी और कहा था सर इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाना, तो वो वीडियो जो उनकी फरमाइश थी वो इसमें पूरी की जाती है। वो जो कह रहे हैं कि इसमें डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी निकालनी है फॉर वर्टिकल लोडिंग के केस में। वर्टिकल लोडिंग के लिए मान लो यहाँ पे कोई लोड इस पे अप्लाई हो रहा है, तो वर्टिकल लोडिंग के केस में इसकी आपको स्टैटिक डिटरमिनेसी निकालना है। तो जब हमारी नॉर्मली अगर हम जनरल लोडिंग की बात करें तो एक हमारे फिक्स सपोर्ट से आपको इक्वेशंस मिलती है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलती है, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक मूवमेंट। ये सारी की सारी आपकी इस केसेस में क्या हो जाती है, आपकी ये रिएक्शंस मिलती है हमारे फिक्स के केस में। इनको सॉल्व करने के लिए आपके लिए तीन इक्वेशन है, एफ एक्स डायरेक्शन में जीरो, एफ वाई डायरेक्शन में जीरो और समेशन एम जेड डायरेक्शन में जीरो अप्लाई करके ये तीन इक्वेशन से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग लगा दी तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल वाली है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, तो आप इसको अप्लाई करा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ से कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आने वाली। साथ के साथ यहाँ पे आपकी वर्टिकल है, मूवमेंट है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जब मैं बात करता हूँ एक फिक्स सपोर्ट की। अगर बात कर ली जाए इस सपोर्ट की, सिंपली सपोर्टेड है आपका, सिंपली जो इधर है तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको वर्टिकल मिल रही है, तो V1 ये हो गई, ये V2 हो गई, तो आपकी कुल मिला के तीन इक्वेशंस यहाँ पे है, तीन इक्वेशन अननोन है। सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपके पास दो इक्वेशन बच गई, तो 3 - 2 करके क्या आ गया आपका 1, तो इसका आंसर हो गया क्लियर 1। सिमिलरली अगर मैं वर्टिकल लोड की बात करूं, इस केस में जब मेरा वर्टिकल लोड लगा तो आपको एक फिक्स सपोर्ट से मिलने वाली अननोन इक्वेशंस कितनी है, यहाँ पे आप जानते हैं 2, सिमिलरली 2 यहाँ पे होगी, तो कुल मिला के आपको अननोन हो गई 4। माइनस सोल्व करने के लिए सिर्फ आपके पास कितनी इक्वेशंस है, यही 2 इक्वेशंस आपकी सोल्व करने के लिए बचने वाली है जिस समय वर्टिकल लोडिंग की बात की जाती है, तो आपका डीएस हो गया 2। नेक्स्ट है आपका सिंपली सपोर्टेड। अगेन सिंपली सपोर्टेड के केस में अगर आप ऊपर से लोड लगाएंगे तो सिर्फ आपकी 2 ही इक्वेशंस है और सॉल्व करने के लिए भी आपके पास 2 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस, तो आप सॉल्व करके कह सकते हो कि ये स्टैटिकली डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट की बात की जाए तो आपकी हो गई 3 इक्वेशंस टोटल हो गई, वर्टिकल लोडिंग के केस में 3 इक्वेशंस टोटल हो गई, माइनस करके 2 करोगे तो आपका डीएस कितना आ जाएगा 1। दोस्त आपको जिसने इसको भेजा था आपको एक क्लियर हो गई होगी, आपके साथ साथ बहुत से बच्चों को भी ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। तो ये थी आपकी वीडियोस और जो आपके पेपर में पूछे गए काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी से रिलेटेड और स्टैटिक इनडिटरमिनेसी से रिलेटेड। जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर्स के अंदर रिलीज और उनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, और बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ जो आपके नीट के एग्जाम में या आईएएस के एग्जाम में या वेरियस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनमें पूछे गए हैं, उन सबके साथ एक और वीडियो लेके आऊंगा जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।